42 years back on March 15, 1975, the Indian men hockey team accomplished a historic feat against Pakistan in the finals of 1975 Hockey World Cup, wherein they beat the opponents 2-1 to earn the title of champions. It was a moment of pride that day, and it's a moment of pride for every Indian today. Remembering the occasion and the achievement, MNIS speaks to one of the stars of the World Cup, Aslam Sher Khan. टीम को एक यूनिट के रूप में और एक फाइट के रूप में हम लोग एक दूसरे के नारे लगाते थे, ठीक है ना। और मेरे हिस्से में जो नारा आता था वो ये था कि बोले सो निहाल ससरे अकाल, और सुरजीत सिंह काली माता की बोलती थी, और लाइक फ्लिप और समबडी जो है वो बोलते थे अल्लाह अकबर। सो हम एक यूनाइटेड टीम तो थी, इसमें कोई शक नहीं। वो वर्ल्ड कप में जो बेस्ट पार्ट था वो टीम वॉज वेरी यूनाइटेड, एक टीम स्पिरिट भी थी उसमें, है ना, जो इंडिया में अक्सर मिसिंग हो जाती है टीम स्पिरिट। ओह इट इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज, वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि 50,000 का 50,000 क्राउड मेड्रेका स्टेडियम, जो फुटबॉल का उनका सबसे बड़ा स्टेडियम में हॉकी हो रहा था, और बड़ा प्रेशर था इंडियन कम्युनिटी पे, बहुत बड़ा प्रेशर था। वहाँ की मलेशियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि एनी बडी चेयर फॉर इंडिया उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इतना उस मैच में, चूँकि क्योंकि उनके लिए भी डू एंड डाई था, वो चाहते थे मलेशिया पहली बार फाइनल में आए, और मलेशिया में कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप हो रहा था हॉकी का। पब्लिक प्रेशर वाज ह्यूज लोकली, बट वो जो कहावत व्हेन द सिचुएशन गेटिंग टफ द टफ गेट गोइंग, यू नो सपोज टू बी, कि हमें बहुत अच्छा करना था उस मैच में, और वो मैच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए वो गोल ऐसा था कि वो गोल बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और वो मुझे उस वक्त तो ऐसा एहसास नहीं था कि ये गोल इतना बड़ा हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री में जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज 42 साल हो गए, और उस एज ग्रुप के जो बच्चे स्कूलों में थे कॉलेजेस में थे, आज वो बड़ी टॉप पोजिशन पर हैं इंडिया की, दे स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट। वो पूरा मोमेंट उनको याद है कि वो क्या हुआ था, कैसे, फिर मैंने क्या किया, मेरा क्या होता। वो मतलब यहाँ की आवाम को उस ज़माने की 65 करोड़ की आबादी थी, तो सब पूरी पब्लिक को उस बात का एहसास था। तो वो गोल मैंने, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मेरे माँ ने मुझे तावीज़ दे के भेजा था, एक मेरा तावीज़ डाला था, ये कहा था कि जब भी बहुत क्रंच हो, अगर बहुत ही ज़रूरी पे हो, अगर तुम इसको चूम के जो भी काम करोगे वो गोल होगा, मतलब आपको वो मिलेगा। तो जब मैं ग्राउंड में उतरा तो मैंने तावीज़ को चूमा, और फिर मैंने जब पेनल्टी कॉर्नर मिला 2 मिनट पहले, तो उसको भी फिर मैंने तावीज़ को चूम के एंड फुली उस अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया, और वो शॉट मिला, और इत्तेफाक से पेनल्टी कॉर्नर अच्छी, मतलब अच्छा हो गया, क्योंकि बॉल भी सही पुश हुई, रुकी भी सही, और उस शॉट पर मैंने गोल कर दिया। फाइनल मैच वाज अ वेरी एक्साइटिंग मैच एंड वाज अ ह्यूज मैच। जो मलेशिया से हम खेल रहे थे उसमें वो प्रेशर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में बड़ा प्रेशर होता था।